जो अभी जो सन्यासी लेके जा रहे हैं अंदर मटकी में। दूसरा जो मुर्गा था वो नहीं था ऐसे। देखो दोस्तों, कल से आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खरीद होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे अपना ब्लॉग। तो दोस्तों, ये हमारी फिंचेस जो है सो नेस्टिंग ऊपर लेके चली गई हैं। ये देखें, ये मटकी का मैंने ढकना निकाल दिया है इसलिए ऊपर लेके जा रही हैं और जो अंदर नहीं लेके जा रही। और यहाँ पे जो सो हल्की फुल्की नेस्टिंग पड़ी हुई है। अभी इनको दाना पानी भी देना है क्योंकि इसका जो सो गेट बहुत बड़ा है, ये सारा इसका बड़ा गेट है। मेरी एक फिंच ऐसे ही भाग गई थी इसलिए जो सो मैं बड़े ध्यान से कपड़ा नीचे करके फिर उनको जो सो मैं दाना पानी देता हूँ। तो अभी नेस्टिंग भी इनों में डाल देता हूँ और दाना पानी भी चेंज कर देता हूँ। और ये हमारी जो मुर्गी है अभी अंडों पर बैठी है। इसको अभी 4 से 5 दिन हो गए। दो दिन के बाद हम इनों की इसके एक की कैडलिंग करेंगे। तो अब इसको भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि ये दाना पानी खा ले। तो हमारे पास जो दूसरी फिंचेस का पैर है हम उन को भी जो सो दाना पानी करते हैं और वो भी अभी आपको दिखाते हैं क्योंकि वो भी अभी नेस्टिंग लेके जा रही हैं। और ये पीछे हमारे मुर्गा और मुर्गी यहाँ पे खड़े हैं तो इन को भी जो नीचे उतारते हैं और दाना पानी कर देते हैं। ये देखें हमारे फिंचेस का पैर जो अभी जो सो नेस्टिंग लेके जा रहे हैं अंदर मटकी में। ये अभी अंदर लेके गई हैं और अभी ये नेस्टिंग पड़ी हुई है तो इनों से हम दूर हो जाते हैं। फिर इन को दाना पानी भी कर देंगे ताकि नेस्टिंग हल लेके जाए जल्दी से। और आप ये हम अपने मुर्गियों के पास चलते हैं। ये मुर्गा देखे ये चुटकियों पे पड़ा रहा है, इसको अभी मैं चुटकी लगाता हूँ। देखिए दूसरा जो मुर्गा था वो नहीं था ऐसे, ये अभी ऐसे हो गया है। लेकिन इस मुर्गे का इतना सो कद छोटा है। तो इन्हों को दाना पानी में नहीं दे रहा अभी जो सो, मैं इनको ये सब्जी दे रहा हूँ मिक्स में, इसमें हरी धनिया और बाकी जो सो पालक भी डली पड़ी है। तो ये भी इनको देता हूँ, ये बड़ी शौक से खाते हैं। हटो भाई, ये देखें। और हमारी मुर्गी जो भी है ये भी उठ रही है तो इसको भी हम निकाल देते हैं ताकि ये भी कुछ खा ले। और ये मुर्गा यहाँ पर बैठा है, ये वहाँ से उठा रहा है तो इसको भी अभी यहाँ पे बुलाते हैं फिर ये भी खा ले। अभी इसको थोड़ा सा जैसे खाते हैं। ये भी आ जाएगा, ये खड़ा है। हमारी मुर्गी के 7 अंडे अभी पड़े हुए हैं। अभी जो है सो हम इसके 2 दिन के बाद जो है सो 2-3 दिन के बाद इसके अंडों की कैडलिंग करेंगे। मेरे कज़न के पास जो मुर्गी थी ना वो भी अंडे पी जाती थी, जिसकी गर्दन गोल्डन थी और जो सो पूरी काली थी। उसका जो है सो चिक्स भी अभी है लेकिन वो अभी बंद लगा पड़ा है तो वो अंडे पी जाती थी। हमारी मुर्गी अंडे नहीं पीती है, ये अच्छी बात है कि खा रही है अभी। और सारे मुर्गों जो है सो तुरी इन्हों को मारेगी। देखिए सबसे और जो हमारे ये मुर्गा है ना, ये अच्छा इस मुर्गे के पाँव में हमने ये रस्सियाँ बांध दी ताकि इसका पाँव जो है सूज ना जाए, वरना इनों के पाँव में सूजन आ जाती है। ये मेल है ना, इसके पाँव में हमने ये कपड़ा बांध दिया है और इसके पाँव में अभी नहीं बांधा है कपड़ा, ये भी बांध देंगे। इस मुर्गे का जो है ना कद छोटा है और इसका पता नहीं अभी बड़ा होगा फिर पता चलेगा। इनों के नेस्टिंग काट के आते हैं और इनों के अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं हमारे लोटिनो और फिशर के दोनों मेल हैं। तो हम जो इस फिशर का मेल चेंज करा के आएंगे और लोटिनो की फीमेल लेके आएंगे। तो अभी ये दोनों हमें साथ रख दिए हैं ताकि ये जो जब हम लेके जाएं फिर जो इस फिशर को पकड़ लेते हैं, फिर चेंज करके आएंगे फिर जो इस लोटिनो की फीमेल लेके आएंगे। अभी इन दोनों को हमने साथ में रख दिया है। और ये मुर्गी जो है पता नहीं है क्यों नहीं खा रही, बाकी दाना खा रही है। इसको भी हम दाना ला के देते हैं ताकि ये दाना खा लें फिर अंडों पे बैठ जाएगी जाके। तो ये मैं फिंचेस की जो है सो नेस्टिंग लेके आ चुका हूँ, फिर मैं इनको अभी अंदर रखूँगा, फिर जो सो इस मुर्गी का दाना भी लेके आता हूँ, ये इनको दे देता हूँ क्योंकि अभी इसको दाना खिलाना है, पानी खिला के फिर इसको वापस जो है अंडों पे बिठाना है। तो अभी इनको दाना लेके आता हूँ, दाना देता हूँ। और इन को नेस्टिंग जो है सो अभी यहाँ पर पड़ी हुई है, फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं इन को बंद करूँगा तब इनको दे दूँगा। अभी जो है सो मैं इसके पहले ये जो दाने ये यहाँ पर फेंकता हूँ। तो अभी जो है सो डब्बे में सारा दाना पड़ा है, ये दे देता हूँ। आधा दाना बच गया था, ये अभी पूरा जो है इसको दे दिया है तो ये अभी खा ले, फिर दूसरा दाना भी इनको दे दूंगा। ये अभी नहीं खाएगा क्योंकि ये जो है सो मुर्गी खा रही है, अगर ये खाने आया तो ये मुर्गी इसको मारेगी। तो इसको जो है अभी दाना खाने देते हैं और जो सो मैं अभी नेस्टिंग दोनों के अंदर रखता हूँ। ये जो सामने आके खुद को जो है सो छाँड़ती है ना, बड़ी गुस्से आती है। जो सो अंदर जा रही है, ये जो सामने आके अपने पैरों को फैलाती है ना, इसकी इतनी मिट्टी निकलती है। तो ये अभी जल्दी जाओ भाई, अंडों पे बैठ जाओ, अभी ज़्यादा तंग ना करो। अभी ये खुद ब खुद अंडों पे जाके बैठ जाएगी
और हम जो है इनको जो है नेस्टिंग दे देते हैं। और इनका दाना पानी भी चेंज करना है तो ये मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने नेस्टिंग अंदर रख दी है और हमारी फिंचेस जो है ऊपर भी लेना जाने स्टार्ट हो चुकी है। अभी ऊपर लेकर जा रही है, नेस्टिंग आती सी और ये अंदर पता नहीं क्यों नहीं लेकर जा रही, ऊपर ही लेकर जा रही है। ठीक है, अब नेस्टिंग कर रही हैं तो करने देते हैं। तो ये अभी लेके जा रही है, मैंने अंदर डाल दिए। बस छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।